ये सीरियल्स और उनके सस्पेंस कभी खत्म नहीं होते. किसी सीरियल में सस्पेंस चल रहा होता है तो किसी में शुरू होने का सस्पेंस, तो किसी में सीरियल खत्म होने का सस्पेंस. अब आप ही देख लीजिए, सस्पेंस एक बार फिर से बन गया है सीरियल ये है मोहब्बतें में. और सस्पेंस ये है कि क्या इशिमा वापस आएंगी, क्या ये है मोहब्बतें का नया सीजन आएगा. और आपको पता है ये सस्पेंस किसी और ने नहीं बल्कि खुद एकता कपूर ने क्रिएट किया है, जो पहुंची थी शो की रैप अप पार्टी में. ये है मोहब्बतें टीम का आखिरी सलाम दर्शकों के नाम. और ये मैसेज देने के लिए पूरी टीम सास बहू और सस्पेंस के कैमरे पर एक साथ मौजूद है. ओ, कभी कम ना होगी ये चाहते. अभी तक सिंकिंग नहीं हो रहा है सच में. मुझे तो अभी भी लग रहा है दो चार ड्यूब लग रहे हैं यहाँ पर. बहुत ही अच्छी, बहुत ही यादगार जर्नी इज कमिंग टू एन एंड एंड हैप्पी बिकॉज वी फाउंड अ होम आउटसाइड होम, फाउंड अ फैमिली आउटसाइड फैमिली. एंड मुझे भी यही मिल गए. एग्जैक्टली. देखो इसे बोलते हैं शो को सीरियसली लेना. ये है मोहब्बतें. इनको काम भी यही मिल गया. असल में देखा जाए तो मुझे दो दामाद मिले, एक सीरियल वाला और एक रियल लाइफ. कितनी सारी शादियां हुई है हमारे शो के रहते रहते, सब लोग की जिंदगियां बदल गई हैं. हमारी पांच हो चुकी है. नहीं नहीं, सिर्फ सीरियल वाली नहीं, असली असली शादियां. लाइक अनीता की शादी से शुरुआत हुई थी. अनीता, देन यू, मी, मीका, मीका, सबकी जिंदगी बदल गई. अरे तुम्हारी तो और भी बदलने वाली है भाई. दिव्यांका का इशारा पापा बनने जा रहे करण की तरफ है. वैसे चार चार रियल शादियों के साथ साथ छह साल के सफर में ऐसी कई यादगार चीजें हुई हैं, जिसे इनके को स्टार्स और प्रोड्यूसर्स एकता कपूर कभी भूल नहीं पाएंगी. बालाजी टेलीफिल्म्स का लॉन्गेस्ट रनिंग शो एकता के लिए वेरी वेरी स्पेशल शो रहा है. तभी तो पहली बार बालाजी टेलीफिल्म्स के किसी शो के लास्ट डे पर केक काटा गया. Professional career. I actually never cut a cake in my life. We believe that, you know, it. We don't cut cakes even in celebrations. Today we're cutting a cake because we believe that not every ending is an ending. It's actually a beginning. कभी नहीं सोचा था कि हमारा देश उस कहानी को इतना प्यार देगा, जहाँ हम सौतेली माँ, एक औरत जो माँ नहीं बन सकती, जिसे लोग आज देश में बांझ कहते हैं, हमारे देश ने आज दिखाया सब कुछ. उन्होंने ना ही इशिता को एक्सेप्ट किया पर इतना प्यार दिया. शी हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर्स एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माय कंट्री. इमोशनल एकता की आंखें नम हो गईं, लेकिन हर सफर का अंत तो होता ही है. एकता ने इस मौके पर इशिमा के लौटने की बात कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया. प्रियंका ने इशिमा बहुत ब्यूटीफुली प्ले किया है. प्रियंका के फेस पे जो डेप्थ है, अभी वो आगे बोलेगी व्हाट शी विल डू, बट आई थिंक दिव्यांका को आप आगे अलग रोल्स में भी देखेंगे. इशिमा को भी शायद आगे देख सकते, क्या पता. वो भी इसका भी सेकंड सीजन आएगा और भी शोज आएंगे. प्रियंका हम छोड़ने थोड़े वाले. एकता के हर बात में मैसेज छुपा होता है. दिव्यांका और एकता दोनों एक दूसरे के लिए काफी स्पेशल है. मुझे नहीं मालूम आपने मुझे कैसे कास्ट किया. मुझे ये पता है कि मेरे करियर का कंप्लीट लल चल रहा था.
एकदम कुछ नहीं था. आई डोंट नो हाउ यू डिड दैट. हाउ यू हैड सम एक्टर्स को खुद फोन करके ऑफिस बुलाकर उन्हें कास्ट किया. एक था, एक है स्थिति झा, उनको मैंने बोला था, और एक थी दिव्यांका. मैंने वेट किया था कि इनका शो, कोई और शो चल रहा था. आई सेड एक दिन तो आई विल वर्क विद दिस गर्ल. ये आई थिंक दुल्हन का, दुल्हन में देखा था. हाँ, एंड मैंने बोला था एक दिन आएगा जब मैं इस लड़की के साथ काम करूँगी. तो वो दिन उसको काम होता. एकता सरप्राइज के लिए जानी जाती है. शूटिंग के आखिरी दिन पूरी कास्ट के साथ उन्होंने वक्त बिताया और फिर सारे कोस्टार्स सास बहू और सस्पेंस से रूबरू हुए. नंबर वन नंबर टू से ज्यादा इस शो में जो क्लास है ना, वो सारे शोज में नहीं होता. इट्स मोर लाइक फैमिली, यू नो. इट वाज नेवर लाइक यू कमिंग टू वर्क. इट वाज मोर लाइक कि हम मिलने जा रहे हैं सबसे. आज हम जाने की ओर हैं, कहीं दूसरे शो में आने की ओर हैं. आना जाना तो लगा रहेगा, लेकिन रमन यानी करण पटेल अपने एवरग्रीन मस्ती के मूड में है. निशाने पर है सिमे. सिम्मी आज तक वो फीलिंग सिंकिन नहीं कर पाया कि कोई इसका ऑटोग्राफ मांग रहा था. मेरी बेइज्जती जैसे जैसे यहाँ होनी शुरू हो गई है ना, मुझे पूरा सिंकिन हो चुका है. मैं वापस आ चुकी हूँ. करण पटेल ये सब वापस आ चुके हैं. मुझे बड़ी खुशी हो रही है. बहुत दुख होने वाला है उन्हें भी, बहुत दुख होने वाला है. करण लड़का तो नहीं है वो, इसको पति नहीं मिला शो में. तो बस जब मैंने बुलवाया रे बेटा, तेरा जज्बा जज्बा काबू. हाँ सॉरी, इशरा फैंस का क्या होगा? करना कुछ और ही मूड में. इशरा फैंस मेरे से और इशिता और रमन से ऐसे जुड़े रहते, काश ऐसा कुछ हो जाए चमत्कार एंड वी कैन स्टिल स्टे कनेक्टेड टू यू. यार उन्हें बुरा तो लगेगा यार, लेकिन अब आई थिंक सोशल मीडिया ने वो ब्रिज एक बिल्ड कर दिया कि अगर हम आपसे टीवी पे नहीं मिल सकते, लेकिन आपके आपसे किसी ना किसी मीडियम से तो मिल ही सकते हैं. रमन इशिता से फैंस की मोहब्बतें कम नहीं होंगी, तो क्यों ना मोहब्बत भरे टाइटल ट्रैक को गुनगुना कर इसके सफर को खत्म किया जाए. कभी कम ना होगी ये चाहते, पल पल भरी ये है मोहब्बतें. मुंबई से इंडिया टीवी के लिए पारस कोठारी की रिपोर्ट.